एकमा के अंतर्गत पंचायत चंचोरा की मुखिया सावित्री देवी, मुखिया प्रतिनिधि बीपू राय ने क्या उद्देश्य लेकर मुखिया प्रत्याशी का चुनाव लड़े और अपना विजय प्राप्त किया, और इस पंचायत में विकास का कार्य विशेष रूप से कौन कौन सा हो चुका है और मुख्य समस्या कौन कौन सी है, देखिए आप इस वीडियो में। आइए जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य लेकर मुख्य प्रत्याशी का चुनाव लड़े और अपना भारी मतों से विजय प्राप्त किए हैं और इनके पंचायत में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, इसी पर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए कानूनी जंगल। सबसे पहले इन चैनल का स्वागत सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम बिट्टू राय हुआ, हम मीडिया के लड़के हैं, सुपुत्र हैं और उनके प्रतिनिधि हैं। सर पॉलिटिक्स आप कब से सक्रिय हैं? पॉलिटिक्स में तो अभी लास्ट ईयर, मतलब इसके पहले 2016 का चुनाव में आए थे, चुनाव हार चुके थे, सेकंड नंबर पे थे और उस समय कुछ कारण था, हम लोग बाहर रहते थे, कोई हम लोग को जानता नहीं था। इस बार क्या हुआ कि हम अपने पंचायत में पूरा समय दिए, सबको साथ दिए, उसके बाद फिर अपने जनता हमको चुना। इस बार कितनी बार तो सर आपका विजय प्राप्त हुई? हम लोग जीते थे 43 या 46 ऐसे। कुल मतों की कितनी संख्या हमारे 7000। हमेशा सपोर्ट करते हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं, जनता के लिए आज भी खड़े हैं। कभी कोई गरीब को जिस टाइम में मुखिया नहीं थे उस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से जो मर जाता है आदमी गरीब घर, मतलब गरीब घर का पिछली जाति का, तो उनको आज भी हम जाते हैं अपने तरफ से, जितना भी होता है उनको मदद करते हैं। किसी लड़की का शादी होता है अपने तरफ से मदद करते हैं, या किसी को कोई दिक्कत भी होता है तो उसके लिए हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहे। बहुत गंदा, कुछ वार्ड है जिसमें अभी तक पानी ही नहीं चल रहा है, जैसे 3 नंबर में टंकी फटा हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 8 नंबर जब से बना है 2-2.5 साल हो गया है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। पता बोलने पे कंप्लेन, कितना बार कंप्लेन किया गया है। 11 नंबर वार्ड है जो माधोपुर गांव में है, उसमें टंकी फटा हुआ है करीबन 8-9 महीना से, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब सरकार बताए जैसे निकलेंगे वैसे काम होगा। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी है 13 में 2 बंद है अभी, क्योंकि दोनों आंगनबाड़ियों जो पहले थे 11 नंबर में उनका डेथ हो चुका है, और 3 नंबर वार्ड चंचौड़ा गांव में उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, क्लियर हो चुका है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है छोटा मोटा, अब इसके बारे में हमें क्लियरली नहीं मालूम है, लेकिन इसके लिए BO सर को हम लोग कंप्लेन भी किए थे, अब उसका जो जाँच होगा वो पता चलेगा। जितनी अभी चल रही है वो सरकारी में चल रही है? सरकारी भवनों में तो नहीं चल रही है, कुछ प्राइवेटों घर के बाहर में चल रही है। लगा मैं कितने सरकारी भवन में चल रही है? 3-4 होगा, कुछ ज्यादा लगा, अप्रोक्स बता सकते हैं।